अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के लोहिया का तिबारे के समीप मकान के निर्माण के दौरान नाली टूटने से दो पक्षों में लाठियां चल गई। इससे दो महिला और दो पुरुषों के सिर फूट गए। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पड़ोसियों ने बताया कि मामूली बात पर झगड़ा कर लाठियां चला दी गई। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने धारदार हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि थाने के सहायक उप निरीक्षक हितेंद्र कुमार ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पिसांगन उपखंड मुख्यालय पर जलझूलने एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पिसांगन के 32 मंदिरों से एक साथ ठाकुर जी रेवाड़ियों में विराजमान होकर गाजे बाजे के साथ जल विहार को निकले। ठाकुर जी दर्शनार्थ श्रद्धालु का उमड़ा सैलाब। इस दौरान विशालकाय बालाजी में लाठियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। हनुमानगढ़ जंक्शन में बस स्टैंड पर रेहड़ी लगाने वाले शख्स से मारपीट कर नकदी छीन कर ले जाने का मामला आया सामने। पीड़ित हरबंस लाल ने जंक्शन पुलिस थाने में परिवाद सौंपा। कुछ लोगों ने मारपीट कर गले से 8,500 रुपए की नकदी पार कर ली और 50 किलो से भरी रेहड़ी साथ ले गए। रवी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गंगापुर जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने किया मतदान केंद्र और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। इस दौरान उपखंड मुख्यालय पर स्थित आईटी केंद्र में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली गई। रायपुर में जिला कलेक्टर और यूआईटी अध्यक्ष अरविंद पोसवाल ने शहर के फतेहपुरा चौराहा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नाथद्वारा बोर्ड पर गिराए जा रहे भवन का अवलोकन किया और मकान मालिक से चर्चा की, जिसमें मालिक ने अपनी सहमति जताई है। सावर थाना क्षेत्र के पिपलाज गांव में 80 वर्षीय वृद्ध ने 12 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर में कच्चे डंडी निवासियों ने कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति के नेतृत्व में पट्टे की मांग की। इसको लेकर पाईबाग स्थित चौपाटी पर सांकेतिक धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। जयपुर के गोनेर धार्मिक नगरी में जलझूलने एकादशी पर श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर से गलता पीठ के अध्यक्षाचार्य महाराज के सानिध्य में शोभायात्रा निकालकर जगन्नाथ सरोवर तक लाया गया। इस जलझूलने एकादशी शोभायात्रा में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी शामिल हुए। हनुमानगढ़ में सांख्यिकी कार्यालय के पदों का सृजन नहीं करने से सांख्यिकी विभाग के कार्मिकों में राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष व्याप्त है। इसी कड़ी में 22 सितंबर को सौंपे गए चेतावनी पत्र के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से नाराज अधीनस्थ कर्मचारियों ने सांख्यिकी विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया है। कुचामन से सुरसुराय से वीर तेजाजी धाम के लिए सबसे बड़ी यात्रा में शामिल श्रद्धालु जुलूस के रूप में रवाना हुए। जाट समाज की यात्रा में सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान आधा दर्जन डीजे और सैकड़ों वाहनों के साथ रवाना हुई यात्रा। साथ ही इस दौरान ट्रेलर पर अपने पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल हुई महिलाएं। अलवर के कठुमर में सैन समाज की 12वीं पद यात्रा कस्बे से नारायणी धाम मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां सभी पदयात्री माता के दर्शन कर सावर पूजा कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके वापसी करेंगे। अलवा के रेलवे जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से युवक ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे में घायल युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर के खेड़ली में चोरों ने एक ही दिन में 5 मकानों को बनाया निशाना। चोर लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीना के आह्वान पर जयपुर में नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं देते हुए सरकार के समक्ष गांधीवादी विरोध दर्ज करवाया है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री पवन जादौन, महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सपोटरा, प्रवक्ता बनेश सिंह बंसीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जयपुर के फुलेरा में वीर तेजाजी महाराज के मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तेजाजी महाराज के मेले के शुरू होने के साथ ही पूर्व ढोल के साथ तेजाजी महाराज की विंदौरी निकाली गई। मेले में श्रद्धालुओं की तादाद हजारों में थी। मेले में पहुंचे अतिथियों का मेला कमेटी ने माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जयपुर के प्रतापनगर में तेजादशमी पर लोगों ने लोक देवता तेजाजी महाराज की खीर, पुआ, पूड़ी का भोग और ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। जैसलमेर में किसानों को रबी की फसल के साथ साथ खरीफ की फसल में भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सीएम ने बजट में नहर से स्लिट निकालने के लिए 3,59,00,000 रुपए की घोषणा की थी। उसे अब स्वीकृति मिलने से नहर विभाग 9 जेसीबी मशीन खरीद कर नहर से रेत आसानी से निकाल सकेगा।
जिसमें कि नाश्ता में रेगुलर कर्मी बनाने की मांग पर प्लेसमेंट कर्मियों ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। नियमित कर्मचारी बनाने और सुविधा सेवा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर 3 घंटे कार्य बहिष्कार किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति नाश्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। जसमेर के नाचना पंचायत समिति में नवनियुक्त विकास अधिकारी के पदभार ग्रहण करने पर बहुमान किया गया। नवनियुक्त विकास अधिकारी चंदन सिंह का माल्यार्पण साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जालौर के भीनवाल में रानीवाड़ा रोड पर राजपुरोहित समाज का जालौर सांचौर जिला स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। महासम्मेलन में राजनीतिक दलों से राजस्थान में 5 टिकट और जोधपुर संभाग से 1 लोकसभा टिकट देने की मांग की गई। जलवाड़ के गोवर्धनपुरा गांव में आपसी विवाद के चलते पति पत्नी पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद दंपति को एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। जलवाड़ के डक में गणेश उत्सव के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कस्बे के निजी और सरकारी स्कूल की छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही है। दरबार के डग में महावीर चौक में हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियां महावीर चौक में उपस्थित रहे। वहीं सबने जमकर भजनों पर नृत्य किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बाराकिचे बबड़ौर समेत ग्रामीण अंचल में तेजादशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां केलखेड़ी रतनपुरा आदि गांव में तेजाजी का खेल देखने दर्शकों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अनूपगढ़ के राजनगर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने नगर पालिका में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 15 से अधिक सफाई कर्मियों को अधिकारियों और नेताओं के आवास पर लगा रखा है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है। श्रीगंगानगर में गुलाबी सुंडी और चक्रवात बारिश से फसल खराबे का मामला। किसान संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट के गंगा सिंह चौक पर लगाया धरना, फसल खराबे को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की। फसल खराबे की एवज में 25,000 प्रति बीघा किसान को देने की मांग की गई। सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को लोन देने की भी मांग की गई। नागौर के रियापड़ी के चार भुजनाथ मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए मेला मैदान स्थित रेवाड़ी स्थल तक पहुंची। ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महिलाओं और पुरुषों ने भजन कीर्तन करते हुए दर्शन कर चार भुजनाथ मेले को मावा मिष्ठान फल का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। चार भुजनाथ नागौर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के रियावड़ी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राठौड़ भंवाल माता मंदिर में दर्शन करके चार भुजनाथ मीराबाई मंदिर और रामस्नेही प्रधान पीठ रैंड में सपरिवार दर्शन भी करेंगे। टिटवाना के बलिया में अज्ञात चोरों की ओर से असली सोलर लाइट और पोल चोरी करने की घटनाएं सामने आई। चोरों ने पुलिया से कई पोल खोलकर चुरा लिए, वहीं कुछ पोल को आधा खोलकर चोरी की नीयत से छोड़ दिया गया। वहीं विद्युत लाइट्स के पोल हादसे को न्योता दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी प्रशासन ने कहा कि पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। रावर पुलिस ने अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही अपहृत को मुक्त कराते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं उन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। डिडवाना में जिला कलेक्ट्रेट में स्कूटी वितरण समारोह आयोजित हुआ। जिले के कुल 78 विकलांगों को बांटी गई स्कूटी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत किया गया स्कूटी का वितरण। समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया स्कूटी का वितरण। डिडवाना विधानसभा में 24 स्कूटी का आज वितरण हुआ। जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने किया स्कूटी का वितरण। शाहपुरा में चंबल पाइपलाइन में लीकेज होने से पेयजल सप्लाई बाधित हुई। 72 घंटे से क्षेत्रवासियों को नहीं मिला पीने का पानी। पीने का पानी न मिलने से लोग परेशान हुए। पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी भी व्यर्थ बह गया। डिडवाना पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक आगामी त्योहारों को लेकर आयोजित की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता सीओ धर्म पूनिया सीआई राजेश डूडी ने की। बैठक में शांति समिति के सदस्य के साथ शहर के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कस्बे के सावर में जलजूदी एकादशी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बे के सभी मंदिरों के भगवान के व्यवहारों को लेकर रेवाड़ियों का जुलूस निकाला गया, जिसे जुलूस में श्रद्धालुओं का रैला उमड़ पड़ा। कस्बे में जगह जगह भगवान के व्यवहारों की पूजा अर्चना भी की गई। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कार्यरत फार्मासिस्ट ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया। इस मौके पर अध्यक्ष महेंद्र कुमार तंवर के सानिध्य में सभी फार्मासिस्ट चिकित्सालय के ब्लड बैंक पहुंचे, जहां पर पीड़ित मानव सेवा का संकल्प लिया और जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को ब्लड डोनेशन करने के लिए फार्म भरकर ब्लड बैंक को सौंपे हैं।
अजमेर के विजयनगर में जलजूली एकादशी पर ठाकुर जी के विग्रह स्वरूप को राम रेवाड़ी ढोल में विराजमान करते हुए नगर भ्रमण पर यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से गाजे बजे और भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ हुई थी। अजमेर के सावर में पर्युषण पर्व को लेकर आयोजित दश लक्षण पर्व पर जैन समाज की ओर से अनेक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। चंद्रगिरी आतिशय क्षेत्र सहित जैन मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर धर्म लाभ ले रहे हैं। पूजा अर्चना कार्यक्रम में चंद्रगिरी आतिशय क्षेत्र पर प्रतिदिन बोलियों के माध्यम से श्री जी की शांति धारा करवाई जा रही है। गावा में तेजा मेले के अंतिम दिन 6 घंटे तक महिलाओं का एक छत्र राज रहा। मेले में चारों और विविध रंगों के परिधानों में सजी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खरीदारी करती और झूलों का आनंद लेती हुई दिखाई दी। शाम तक महिलाओं ने निश्चित होकर मेले का लुत्फ उठाया। अजमेर के विजयनगर में भी तेजाजी महाराज का मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। तेजाजी महाराज के दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने धूप नारियल मठड़ी से पूजा कर और धूप लगाकर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। इडवाना के लाडू में राजकीय कदम महाविद्यालय में राज्य स्तरीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें नाजमीन और सकीना ने सहभागिता की। वहीं डिबेटर नाजमीन ने प्राप्त किया 1100 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार। महाविद्यालय परिसर ने किया दोनों वक्ता छात्राओं का स्वागत। नागौर के बटवार संघ का विरोध, गिरदावरी ऐप में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। अधिकारी ऐप में आ रही तकनीकी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गिरदावरी में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग की। डिडवाना के कलेक्ट्रेट में आयोजित दिव्यांग स्कूटी वितरण कैंप के दौरान स्वीप कार्यक्रम की जानकारी दी गई। वहीं मतदान केंद्रों की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, दिव्यांग मतदाताओं को जानकारी दी गई। नगर में चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला परिषद में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे। ज्वाल और नागौर डिगाना के साथ मकराना के 155 सेक्टर अधिकारी एवं 122 सेक्टर पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। जलवाड़ के गोवर्धनपुरा गांव में आपसी विवाद के चलते पति पत्नी पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जलवाड़ के ढक में गणेश उत्सव के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कस्बे के निजी और सरकारी स्कूल की छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जा रही है। जलवाड़ के ढक में महावीर चौक में हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष युवक युवतियां महावीर चौक में उपस्थित रहे। सबने जमकर भजनों पर नृत्य किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बारा के छपापड़ौत समेत ग्रामीण अंचल में तेजा दशमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है, जहां खेलखेड़ी रतनपुरा आदि गांव में तेजाजी का खेल देखने समेत दर्शन करने के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बारा के खेलवाड़ा में वन माफिया जंगलों की कटाई कर बलि चढ़ा रहे हैं। वहीं पुलिस ने बड़ी संख्या में खैर की लकड़ी और लोडिंग को जब्त किया। पुलिस थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर खैर की लकड़ी से भरी लोडिंग पलटी खा गई। लकड़ियों को जब्त कर थाना परिसर में रखा दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जलवाड़ के पिड़ावा में जलजूली एकादशी पर देव विमानों की भव्य ढोल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर के पद्मनाम स्वामी मंदिर में महाआरती के बाद ढोल यात्रा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। जलवाड़ में पुलिस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर टीम की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने 70 किलो 920 ग्राम अफीम डोडा चुरा और पिकअप भी जब्त किए। इस कार्रवाई में दो तस्कर भी पुलिस के हाथे चढ़े। वहीं आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी। बारा के हड़ौती के श्यातनाम ढोल मेले का हुआ उद्घाटन। 15 दिनों तक रहेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। नवनिर्मित ढोल तालाब का भी लोकार्पण हुआ। विधायक मेघवाल, जिला प्रमुख उर्मिला जैन और सभापति ज्योति पारस, उपसभापति सहित कई लोग मौजूद रहे। कोटा के नयापुरा में चंबल नदी की छोटी पुलिया के पास अज्ञात अधेड़ का शव मिला। शव मिलने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने नगर निगम के गोताखोरों को मौके पर बुलाकर चंबल नदी से शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। राजसमंद के आमेट के सलमपुरा गांव में पैंथर ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीण होने वाले विभाग से मौके पर पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। राजसमंद के भाटौली में बनास नदी पुलिया पर एक लोडिंग ऑटो बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। टेम्पो नदी में गिरने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। टेम्पो गिरने के बाद ऑटो में भरी सब्जियां नदी में बिखर गई। धौलपुर के सैपो में विवाहिता ने दुष्कर्म के मामले में दो नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं थाना प्रभारी हरबान सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच धौलपुर ग्रामीण पुलिस अब कर रही है।
प्रतापगढ़ के सरकोटा गांव में कुएं में डूबने से किशोर की मौत हो गई। ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ पुलिस ने 10 किलो अफीम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के मुकाम में ली जा रही टाटा सुमो गाड़ी को भी जब्त किया। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए डोडा चूरा की कीमत करीब 50,000 रुपए की बताई गई। डूंगरपुर के दौड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस ने 3 जगहों पर दबिश दी, उनके कब्जे से अवैध शराब भी पकड़ी। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ में जुटी। प्रतापगढ़ के धरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से नारेबाजी करते हुए लोगों से चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। प्रतापगढ़ में श्रीराम जन जागरण सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और समिति की ओर से रक्तदाताओं का उपरना उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। डूंगरपुर में कृषि विभाग की ओर से राजस्थान पोषक धान्य के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों को मोटा अनाज खाने और बीमारियों से बचाव को लेकर संदेश दिया गया। वहीं कृषि विभाग की ओर से मोटा अनाज के फायदे बताने वाले पंपलेट का वितरण भी किया गया। डीके कामा में शादी से पहले किया दुष्कर्म, खींच लिया अश्लील फोटो। दुष्कर्म के अश्लील फोटो की वायरल करने की धमकी देता रहा युवक। पीड़िता की शादी के बाद पति को फोन कर फोटो किए वायरल। पीड़िता के पति और भाई को कामा बुलाकर अपने साथियों से पिटवाया। पीड़िता ने कामा थाने पहुंचकर दुष्कर्म और फोटो वायरल करने का मामला दर्ज करवाया। डीके कामा कैतवाड़ा में अश्लील फोटो वायरल होने के बाद एसपी ने थानाधिकारी को निलंबित कर दिया। थानाधिकारी की वायरल फोटो की मेवात में खूब चर्चाएं हो रही है। थानाधिकारी की करतूत के चलते पुलिस की छवि भी धूमिल हुई। महिला की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की भी चल रही है चर्चा। धौलपुर के अंगाई थाना पुलिस और एडीएफ टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1,000 रुपए के नामी बदमाश महेश गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बदमाश करीब 5 सालों से फरार चल रहा था। फिलहाल गिरफ्तार किए आरोपी से पूछताछ जारी। धौलपुर में बारिश के चलते जलभराव की समस्या बरकरार है। जलभराव की समस्या और गंदगी से फैल रही बीमारियों को लेकर आनंद नगर कॉलोनी और शिव नगर कॉलोनी वासियों ने मिलकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। इसी के साथ कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर को समस्या से भी अवगत करवाया। धौलपुर के सरमथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेद भूलकर पार्टी के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर जोर देने पर बल देते हुए दिखाई दिए। कुचावन से सुरसुरा स्थित वीरते चाची धाम के लिए सबसे बड़ी यात्रा में शामिल श्रद्धालु जुलूस के रूप में रवाना हुए। जाट समाज की यात्रा में सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान आधा दर्जन टीचर और सैकड़ों वाहनों के साथ रवाना हुई यात्रा। साथ ही इस दौरान ट्रेलर पर अपने पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल हुई महिलाएं। हनुमानगढ़ में गुलाबी सुंडी से खराब हुई नर्मा की फसल की विशेष गिरदावरी करवाने और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान 50,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग की। साथ ही मूंग की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की भी मांग की। हनुमानगढ़ में 6ठे वित्त आयोग की बकाया राशि का भुगतान करवाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर सरपंचों ने कार्यों का बहिष्कार किया। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए सरपंचों ने राष्ट्रीय सरपंच संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांग के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। जलवाड़ की बकानी कस्बे में जलजूली एकादशी के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ गाजे-बाजे के साथ देव विमान निकाले गए। इस अवसर पर सभी मंदिरों के देव विमान बाजार चौक बड़े मंदिर के सामने एकत्रित होकर बस स्टैंड परिसर तक पहुंचे। बजरंग दल अखाड़ा बकानी और शिवयोग अखाड़ा उखली कार्यकर्ताओं द्वारा हैरत अंगेज अखाड़ों और कर्तव्यों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा सभी अखाड़ा उस्ताद शंकर लाल कुशवाहा एवं शिवयोग अखाड़ा उस्ताद चंद मोहन शर्मा फूलमाला पहनाकर साफा बंधन कर स्वागत किया गया। कोटा सभा के अध्यक्ष शिव बड़ौत कस्बे में जलजूली एकादशी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कृत्रिम हाथियों पर देव विमान निकाले गए। जलजूली एकादशी शोभायात्रा के दौरान अखाड़े के कलाकारों द्वारा हैरत अंगेज प्रदर्शन भी किए गए। इस दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जेब तराशने आए एक जेब कतरे को भी गिरफ्तार कर लिया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित इटारणा पुलिया के नीचे से विद्युत पोल चोरी करने का मामला सामने आया। करीब 3 लाख रुपए के 20 विद्युत पोल चोरी कर लिए गए। पीड़ित ने बताया कि फर्म पी एंड ट्रेडर्स को कार्य यूआईटी द्वारा ऑक्शन में मिला था। पीड़ित ने चोरी का मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव समिति के पीड़ित निवेशक संघ द्वारा कंपनी बाग स्थित मंगल परिणय के बाहर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर लगाने वाले लोगों ने बताया कि हजारों कंपनी के 42,000 करोड़ निवेशक हैं और उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। साथ ही कहा कि 2 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री का घेराव
प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आंदोलन करने के लिए करीब 5 लाख से अधिक निवेशक एकत्रित होंगे। अलवर में रेलवे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया, जहां शव की शिनाख्त होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलवर के कठुमर में सैन समाज की 12वीं पदयात्रा कस्बे से नारायण धाम मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां सभी पदयात्री माता के दर्शन कर सामूहिक पूजा अर्चना कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके वापसी करेंगे। अलवर के रेलवे जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से युवक ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे में घायल युवक को मौके पर मौजूद लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। अलवर के खेड़ली में चोरों ने एक ही दिन में 5 मकानों को बनाया निशाना। चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर से नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष खुशराम मीणा के आह्वान पर जयपुर में नर्सेज ने काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं देते हुए सरकार के समक्ष गांधीवादी विरोध जताया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री पवन जादौन, महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सपोटरा, प्रवक्ता बनी सिंह बंसीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जयपुर के फुलेरा में भी तेजाजी महाराज के मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तेजाजी महाराज के मेले के शुरू होने के साथ ही पूर्व ढोल के साथ तेजाजी महाराज की बिंदौरी निकाली गई। मेले में श्रद्धालुओं की तादाद हजारों में पहुंची। मेले में पहुंचे अतिथियों का मेला कमेटी ने माला साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जयपुर के प्रताप नगर में तेजादशमी पर लोगों ने लोक देवता तेजाजी महाराज की खीर पुआ पूड़ी का भोग और धोख लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। जयपुर में खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन की ओर से री यूनियन का भव्य आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस अवसर पर संयोजक दिनेश चंद सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में कॉलेज के पूर्व छात्र छात्राओं और जिनको उत्तीर्ण हुए हैं 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। झुंझुनू में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत युवाओं ने रन फॉर वोट की दौड़ लगाई। युवाओं ने नारे लगाकर कहा कि इस बार वोट देने का मौका नहीं चूकेंगे। जिला परिषद सीईओ जवाहर चौधरी ने स्वर्ण जयंती स्टेडियम से दौड़ को हरी झंडी दिखाई। झुंझुनू में शहीद इंद्र सिंह सैनी का आज 10वां शहादत दिवस। शहीद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहरवासियों के द्वारा शहादत दिवस पर युवाओं ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। चंचलनाथ टीला के ओमनाथ महाराज ने शिविर का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में युवा शिविर में भाग ले रहे हैं। झुंझुनू में डीएसपी और पुलिस की अवैध शराब पर कार्रवाई हुई है। 151 लीटर विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से बिक्री नकदी 8,930 रुपए बरामद हुए। हरियाणा के नारनौल निवासी सुदेश यादव को गया गिरफ्तार। पुलिस टीमों ने नावता की ढाणी में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जिसमें के किसानों को रबी की फसल के साथ साथ खरीफ की फसल में भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सीएम ने बजट में नहर से स्लिट निकालने के लिए 3,59,00,000 रुपए की घोषणा की थी। उसे अब स्वीकृति मिलने से नहर विभाग 9 जेसीबी मशीन खरीद कर नहर से रेत आसानी से निकाल सकेगा। जिसमें कि नाश्ता में रेगुलर कर्मी बनाने की मांग पर प्लेसमेंट कर्मियों ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। नियमित कर्मचारी बनाने और सुविधा सेवा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर 3 घंटे कार्य बहिष्कार किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति नाश्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। जैसलमेर की नाश्ता पंचायत समिति में नवनियुक्त विकास अधिकारी के पदभार ग्रहण करने पर बहुमान किया गया। नवनियुक्त विकास अधिकारी चंदन सिंह का माल्यार्पण साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जालौर के भीनमाल में रानीवाड़ा रोड पर राजपुरोहित समाज का जालौर साचौर जिला स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। महासम्मेलन में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से राजस्थान में 5 क्रिकेट और जोधपुर संभाग से 1 क्रिकेट लोकसभा का देने की मांग की। पाली के देसूरी के नाढौल में आकाशीय बिजली गिरने से मकानों के छज्जे गिर गए। बिजली गिरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं।